अगर लोग इनके खिलाफ हैं फिर इनको देखना चाहिए लोग खिलाफ क्यों हैं, लेकिन ये पूछते किसी से नहीं। मैं तो आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, भाजपा के लीडर जीतते हैं मुझे लगता है जैसे उनको दिहाड़ी के मजदूर बनाकर रखा है, उनकी बात भी कहीं नहीं चलती है। आपको मत लगता है, मुझे लगता है आज वो खुश हो रहे होंगे हल्का बुका जी यहाँ हमारी बात भी कर रहा है। वादा आपस में करते हैं कि पंजाबी हम वापस लाएंगे, ये वादा करते हैं आपके साथ, लेकिन आप ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर एक अजीब दौर से गुजर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। पूरे भारत में इलेक्शन होते हैं और हर बार हम आस लगाए बैठते हैं बस इस बार हमारा इलेक्शन भी होगा। जब आई बात पंचायत की, 5 साल पूरे हो गए, पंचायत भी नहीं होंगे। जब आई बात म्युनिसिपलिटी की, म्युनिसिपलिटी भी नहीं होंगे। असेंबली तो 5 साल से ये करते नहीं, बड़ा डर किस चीज से रहे हैं? या तो ये आपकी जनशक्ति से डर रहे हैं, इनको लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं। अगर लोग इनके खिलाफ हैं फिर इनको देखना चाहिए लोग खिलाफ क्यों हैं, लेकिन ये पूछते किसी से नहीं। मैं तो आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, भाजपा के लीडर जीतते हैं मुझे लगता है जैसे उनको दिहाड़ी के मजदूर बनाकर रखा है, उनकी बात भी कहीं नहीं चलती है। आपको मत लगता है, मुझे लगता है आज वो खुश हो रहे होंगे हल्का बुका जी यहाँ हमारी बात भी कर रहा है। को और गोल गुजराल के सभी लोगों को जो आज यहाँ आए हमारी सभा में और हमारी बातें सुनी, हमने अपनी पार्टी के प्रोग्राम इनके सामने रखे। आप देख रहे हैं हमारा ये जो जन अभियान 2020 से शुरू हुआ है, चलता ही जा रहा है और ऊपर वाले की कृपा से मजबूत दिन ब दिन पार्टी होती ही जा रही है। बुखारी साहब, हाल जिसको भी हिंदुस्तान के आईन पे यकीन होगा, जो हिंदुस्तान के आईन में ऑपरेट करना चाहता है, जो मुल्क की सलामती के लिए खड़ा हो जाएगा, जिसको ये एहसास हो कि वायलेंस से कुछ नहीं निकलने वाला है, जिसको ये यकीन हो कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है, उसको मैं वेलकम करूंगा। कल किसके साथ था रहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अगर उसने किसी का कत्लो गारत किया है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वैसे आदमी को नहीं लाएंगे। बाकी हर एक आदमी, देखिए ये होता है, जब हम संता आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी काफ़ी सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ नहीं थे, लोगों के साथ नहीं थे जो लोग आज़ादी की लड़ाई, क्या वो भारत के शहरी नहीं बने? क्या वो भारत के संविधान में फिर मंत्री नहीं बने? क्या वो MLA नहीं बने, MP नहीं बने? इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दुश्मन को उसके अजायम, नापाक अजायम में नाकाम कर दें और सभी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको ये बावर करें कि हिंदुस्तान के आईन में सबके लिए जगह है, आपके हकूक हैं, आपको कहीं दाएं बाएं देखने से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसी आईन में दिल्ली से ही मिलेगा और वही हमारी कामयाबी है। मुझे तो खुशी है, उल्टा तो आप लोगों को मुबारकबादी देनी चाहिए कि हम उन लोगों को जो कल कहते थे कि इंडिया गो बैक, आज वो कहते हैं इंडिया वेलकम, इंडिया वेलकम। यही तो जीत है, जमहूरियत की जीत इसी को कहते हैं।